नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया स्टॉक के बारे में बात करूंगा। देखिए, कंपनी का जो नाम है आप पहले देख चुके हैं, यूपीएल। तो देखा जाए तो ये एक केमिकल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए कंपनीज है। देखिए, केमिकल के अलग अलग टाइप के मतलब सेक्टर होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के अलग होते हैं, केमिकल के बहुत सारे फेब्रिक्स के अलग अलग होते हैं, अधिसब्स के अलग होते हैं, तो सारे पेंट सेक्टर में इस यहाँ पे भी केमिकल लगते हैं। तो अलग अलग कंपनी है, जैसे अधिसब के लिए पीडीलाइट हो गया, जैसे फैब्रिक के लिए एसआरएफ हो गया, जैसे मतलब पेंट सेक्टर में एशियन पेंट हो गया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तीनों कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तीनों कंपनी तो बेस्ट है, तीनों कंपनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है उसके फील्ड में। तो आज एग्रीकल्चर फील्ड में सबसे नंबर वन पोजिशन में रहने वाला जो कंपनी है वो है यूपीएल। तो आज मैं यूपीएल के बारे में बात करूंगा क्योंकि बहुत शानदार कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर आपका फ्यूचर में क्या मतलब फायदा होगा और इस फ्यूचर में इस कंपनी कितना पोटेंशियल है उसके बारे में यहाँ पे बातचीत करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि देखिए बहुत सारे दोस्त वीडियो को पूरा नहीं देखते, जो वो फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग देखते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। देखिए, मैं जरूर कहूंगा आप अगर सक्सेसफुली इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो मेरे वीडियो छोड़िए, आपको जिसका वीडियो अच्छा लगता है उसी का वीडियो देखिए, आप पूरा देखिए, ठीक है? क्योंकि देखिए, मैं इस तरीके से पहले जब स्टॉक मार्केट में आया था मैं इसी तरीके से काम करता था, छोटा मोटा नॉलेज लेकर ही मुझे लगता है मैं सब कुछ जान गया। उसके बाद मुझे लगा कि ना, मुझे और भी जानना है, और भी इसके ऊपर डिटेल्स में जानना है। तो जानने के बाद मैं जिस मतलब गलत काम करके मतलब पैसा गवाया हूँ, मैं दो नहीं चाहता कि आप भी उस तरीके से काम करें। तो इसलिए मैं कंटिन्यूअसली आपको वीडियो डालता रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जरूर कहूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दो कंपनी का डीमैट अकाउंट हमारा लिंक से आपको मिल जाएगा, एक अपस्टॉक, दूसरा है एंजल वन। तो इस दोनों के माध्यम से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका भी लिंक टेलीग्राम के सारे अवेलेबल डिस्क्रिप्शन में होगा, तो जाकर ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे मतलब इंटरडे लेवल में बहुत शानदार यहाँ पे कॉल आपको मिलने वाला है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर लेके आया हूँ। देखिए, वेबसाइट ही एक एक मतलब महत्वपूर्ण आपको भूमिका निभाएगा आपका इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि देखिए वेबसाइट में जो डेटा आपको अवेलेबल किया जाता है वो सेबी के पास भी जमा किया जाता है, तो कोई मतलब गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। हाँ, छोटा मोटा गलत इन्फॉर्मेशन हो सकता है, मगर ज्यादातर गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए, कंपनी का टोटल जो बिजनेस मॉडल है, 50 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है, 50 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है इस कंपनी का, मतलब 50 साल से भी ज्यादा कंपनी बिजनेस कर रहा है। दूसरी बात, कंपनी का यहाँ पे देखिए बायो सॉल्यूशन में कंपनी नंबर वन पोजीशन में है, नंबर वन। साथ ही साथ कंपनी का जो रेवेन्यू है 5.2 बिलियन डॉलर पहुंच चुके हैं, 5.2 बिलियन। आप एक बार गूगल में जाके 5.2 बिलियन लिखकर इंडियन रुपीज सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना रुपीज कंपनी बन चुके हैं। चलो आप मुझे कमेंट करके बताना कितना रुपीज इंडियन मनी में हो चुके हैं। तो कंपनी देखिए R&D जो मतलब फैसिलिटीज है 25 रैंकिंग में है, और यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है 43 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बहुत अच्छा खासा बिजनेस को फैला के रखा है। और इसका जो जो पेटेंट है वो 1.4K, तो कंपनी जबरदस्त काम कर रहा है। साथ ही साथ जो चीज मुझे इस कंपनी का सबसे अच्छा लगा वो है कंपनी का बिजनेस का सेल्स का परसेंट। तो आप देखिए 138 कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, आपके पास जितना लोग रहेगा उतना ही फायदा है। मान के चलिए आप बिजनेस कर रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ। मान के चलिए बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास 100 कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर, और आपका दोस्त के पास तो आपका कितना करीबन करीबन 10 कस्टमर है। ये 10 कस्टमर से आपका दोस्त पैसा कमाता है 1 लाख रुपया, और आप 100 कस्टमर से पैसा कमाते हैं 1 लाख रुपया। आप कहेंगे आपका दोस्त हैप्पी है, गलत है, क्योंकि आपका दोस्त के पास 10 से 10 कस्टमर है। अगर 5 कस्टमर भाग जाए ना, आपका दोस्त बर्बाद हो जाएगा, मगर आपका पास 5 से 10 10 क्यों 50 कस्टमर भी भाग जाए ना, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा कस्टमर आपके पास है। तो यही बोलना चाहता हूँ, जो कंपनी के पास ज्यादा मार्केट फैला कर रखा है वो उसी के पास ज्यादा पैसा होगा। तो
तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि कंपनी ने पिछले दिनों में क्वार्टर फोर का रिजल्ट भी पब्लिश किया। तो रिजल्ट के हिसाब से आपको हमेशा देखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जैसे देखिए, हम एग्जाम की जब पढ़ाई करते थे तब एग्जाम क्यों लिया जाता था, आप हमारा जो एक्यूरेसी है, किस तरीके से हमने पढ़ा है उसका एक्यूरेसी जानने के लिए रिजल्ट पब्लिश किया जाता है। सेम टू सेम बिजनेस किस तरीके से हो रहा है इस कंपनी का, उसको जानने के लिए आपको रिजल्ट देखना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे दोस्त इस रिजल्ट को देखते नहीं, उसको लगता है मैं कंपनी में निवेश कर दिया, कंपनी अच्छा है, चलो ठीक है, कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, कंपनी का रिजल्ट खराब हो रहा है कि अच्छा हो रहा है, वो आपको हमेशा देखना चाहिए। उससे ही आपको पता चलेगा कंपनी फ्यूचर में और कितना आगे जा सकता है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट दिखाने से पहले मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट आप एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा, वो है कंपनी का ₹10 आपको पर शेयर में डिविडेंड मिलने वाला है, और वो भी 500% का डिविडेंड। तो बहुत शानदार डिविडेंड है, और 30 डेज के अंदर आपको एनुअल जनरल मीटिंग होगा और उसमें आपको बताया जाएगा कौन सा डेट में आपको डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड तो फिक्स्ड हो गया, कितना रुपीज देने वाला है, तो कब देने वाला है अभी तक डिस्कस नहीं किया गया, तो बाद में पता चलेगा। तो चलो रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो कंपनी का रिजल्ट मुझे बहुत बहुत शानदार लगा, क्योंकि कंपनी का टोटल इनकम जो है वो 15,900 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में 11,300 करोड़ था, पिछले साल में 12,800 करोड़ था। चलो इसका मतलब कंपनी ने अच्छा खासा इनकम को ग्रोथ किया, पिछले साल और पिछले क्वार्टर के दोनों की तुलना से बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। तो अभी देख लेता है कंपनी के एक्सपेंस। तो एक्सपेंस कितना किया, देखिए एक्सपेंस भी कंपनी ने उसी तरीके से किया जिस तरीके से कंपनी का इनकम हुआ, तो कंट्रोल में रहा एक्सपेंस। तो पिछले क्वार्टर में भी एक्सपेंस अच्छा है, पिछले साल में भी एक्सपेंस अच्छा है, तो अच्छा खासा एक्सपेंस को यहाँ पे मेंटेन किया। अभी देखना है कंपनी का टोटल मतलब टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या प्रॉफिट आया। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में बात करूं तो 1700 जो पिछले क्वार्टर में था, 1100 पिछले साल में था, 1300 इसका मतलब कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। तो अच्छा खासा प्रॉफिट किया, फिर भी आप कहेंगे सर स्टॉक में गिरावट हुआ क्यों, तो इसके पीछे रीजन यही होते हैं कि मार्केट हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं जिस रिजल्ट को, शायद उस तरीके से रिजल्ट नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, मान के चलिए आप जब पढ़ाई कर रहे थे जो आपका जो रिजल्ट आया, मान के चलिए आप 60% मार्क्स लेके आए, तो आप कहेंगे तो बहुत अच्छा है, मगर आपके घर का जो मतलब आपका जो पेरेंट्स है वो एक्सपेक्टेशन कर रहा था 90% मार्क्स का, तो आप कहेंगे तो मेरा तो रिजल्ट अच्छा हुआ, मगर आप घर के लोग तो चाहते थे 90%। तो सेम टू सेम मार्केट हमेशा एक्सपेक्टेशन ज्यादा करते हैं, तो उसी के बेसिस से स्टॉक में गिरावट होता है। तो आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप 60% मार्क्स लेकर लेके आए मतलब आप अच्छा खासा लेवल में है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ, मतलब अच्छा खासा लेवल में है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 18% अर्निंग है, पिछले क्वार्टर में था सॉरी 18 रुपीज का, पिछले सालों में था 11 रुपीज का, पिछले सालों में था 12 रुपीज का। अराउंड कंपनी का हर डेटा यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिला। अभी देखना है सेगमेंट वाइज कंपनी का रेवेन्यू कितना है। तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखेंगे तो कंपनी का सेगमेंट वाइज सबसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के ऊपर, मतलब एग्रीकल्चर केमिकल्स के ऊपर कंपनी जो बिजनेस किया वो बहुत शानदार ग्रोथ हुआ। 15,200 जो पिछले साल में 10,700 था, पिछले क्वार्टर में 10,700 था, पिछले साल में 12,300 था। और साथ ही साथ नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी मतलब अदर्स प्रोडक्ट जो कंपनी सेल आउट करते हैं उसमें 673, पिछले क्वार्टर में था 630, पिछले साल में था 514। इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ किया, और अनलोकेटेड जो परफॉर्मेंस है उसमें कंपनी का कोई फायदा नहीं। तो फिर भी देखिए कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया और कंपनी अच्छा खासा इनकम ग्रोथ हुआ। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, अराउंड 60,000 कंपनी क्रॉस करने वाला है, तो जबरदस्त कंपनी है। और यहाँ पे जबरदस्त कंपनी आप बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो भी शानदार है। आप देखेंगे, आप कहेंगे सर कंपनी के पास तो बहुत ज्यादा कर्जा है, 24,000 अराउंड 1.17% का कर्जा है। कोई बात नहीं, कंपनी का एनुअल जो इनकम है वो 3,000 करोड़ से भी ज्यादा है। कंपनी का हाथ में कैश भी देखिए 4,000 करोड़ तक कंपनी के हाथ में कैश है। इसका मतलब कंपनी में कितना पॉजिटिविटी है। कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर 47 है। और सबसे जो मुझे इस कंपनी का अच्छा लगा, सबसे जो अच्छा लगा जो चीज, वो है कंपनी का पीई रेशियो एकदम रीजनेबल प्राइस में है। इसका इंडस्ट्रीज पीई रेशियो 24 है, मगर खुद का पीई रेशियो कितना, 15 है। इसका मतलब कंपनी एकदम रीजनेबल प्राइस में है और एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस जगह पे है। तो मेरे मानना है कि इस कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस आपको फ्यूचर में दे सकते हैं, और कंपिटेटर के हिसाब से कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है। और तीसरी बात,
कंपनी का हर क्वार्टर में आपको प्रॉफिट नजर आएगा। तो इस बार तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, 1000 भी क्रॉस कर चुके हैं, जो पहले कभी भी नहीं किया हुआ है। तो कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है उसी के मतलब बात आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ कंपनी का साल भर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको साल भर शानदार परफॉर्मेंस दिखेगा। तो आप कहेंगे सर इतना शानदार परफॉर्मेंस होने के बाद भी मुझे रिटर्न तो उतना खास नहीं मिला। देखिए 10 साल में 26% रिटर्न दिया। मैं इसीलिए बता रहा था कि आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कोई भी स्टॉक के ऊपर खेलेंगे, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश करेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर मिलेगा। क्योंकि देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी सारे के सारे पॉजिटिव में है। और एक चीज इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर कितना एग्रेसिवली इन्वेस्ट करके रखा। प्रोमोटर कितना 28%, चलो ठीक है। FIs कितना 35%, DIs कितना 17%, पब्लिक कितना 18%। इसका मतलब हर इंडस्ट्रीज के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। तो मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो कंपनी एकदम टॉप लेवल में काम कर रहा है, तो बहुत बार कोशिश कर रहा है इस रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करने के लिए। तो मुझे लगता है रेजिस्टेंस जोन को भी क्रॉस करेंगे और फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ लेके आएंगे। तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो धीरे 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 करके कंपनी अप ट्रेंड में ही जा रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रहिए, तभी आपको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। बाकी आप एक बार स्टार्टिंग कर लेना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।